अच्छा गाइस, ज़्यादातर यूट्यूबर आते हैं और यहाँ पर जो ये रेड़िया वाले होते हैं गेट में, जो ये रेड़ी लगी होती है रोडों पे, सही है, ये सारा रेड़ी वाले जो है ना ये अंदर के माशाखोरों से सब्जियाँ लेते हैं और फिर यहाँ पर जो है ना बेचते हैं। तो इनके रेट में जो है ना, जाहिर से बात है, जब वो उनसे लेते हैं और यहाँ पर बेचते हैं तो इनके रेट में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होंगे, क्योंकि ये भी जो है ना कमाई के लिए इधर आए हुए हैं। तो मेरे चैनल जो है ना वो डायरेक्ट आप लोगों को रेट बताएगा माशाखोर के, जो अंदर के माशाखोर होते हैं उसके रेट बताएगा, वो बहुत ही कम कीमत होंगे। यूट्यूबर आके यहाँ पर पूछते हैं और फिर वो रेट जो है ना थोड़ा महंगे होता है, तो लोग समझते हैं कि जो मंडी में सब्ज़ी होते हैं वो महंगे हैं। ऐसा नहीं है, मंडी में सब्ज़ियाँ बहुत सस्ते होते हैं, पर जो रेड़ियों वाले होते हैं ये ज़्यादा जो है ना कीमत ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि ये अंदर के माशाखोरों से लेते हैं। तो मेरा जो रेट होगा वो अंदर के माशाखोरों का रेट होगा, वो मैं डायरेक्ट आप लोगों से जो है ना वहाँ से पूछ के आप लोगों को बताऊँगा कि क्या हिसाब है। आप देख रहे हो इधर पूछिए टमाटर क्या हिसाब है, टमाटर कैसे दे रहे हो भाई? टमाटर 50 रुपए किलो। तो ये देख रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पर 50 रुपए किलो मिल रहे हैं और अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया 200 रुपए की पीटी मिल रही है। तो पीटी में 13 किलो वजन होते हैं और 13 किलो आप उसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ रहा है तकरीबन 15 रुपए किलो के। तो 50 का है और 15 रुपए कहाँ पर है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये रेट जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुनासिब रेट बताऊँगा सब्जियों के और वो रेट बताऊँगा जो अंदर की मंडी के रेट होंगे। थैंक यू। ये टमाटर के माशाखोर के पास आया है और इससे पूछते हैं, इनके पास टमाटर पड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये टमाटर है, इसमें 13 किलो वजन होते हैं और भाई कितने का है? 200 रुपये की पीटी है। 200 रुपये की पीटी है, तो तकरीबन ये 15 रुपये किलो तक जो है ना मिलता है मंडी में। तो माशाल्लाह टमाटर VIP है, ये सारे पड़े हुए हैं इनके पास, जिसको भी चाहिए मंडी से ले आकर यहाँ सर ये सस्ते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठ। वालेकुम सेठ, रेट क्या है आज का रेट मुझे बताएं। क्या चाहिए, क्या ये बंद गोभी कैसे दे रहे हो? गोभी 20 रुपए किलो, 800 रुपए मन। ये भी आपके पास है? हाँ, ये पालक है माशाल्लाह, 400 रुपए मन। ये है मन के नहीं, मुझे किलो के हिसाब बताओ। 10 रुपए किलो। हाँ ऐसे बताए। ये कद्दू कैसे दे रहे हो? 60 रुपए किलो। तूरी कैसी है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। अच्छा बैंगन बता दिया? 50 रुपए किलो बता दिया। शलजम 30 रुपए किलो। ठीक है ठीक है। ये भी कद्दू है? 30 रुपए किलो। गोल कद्दू है? ये ब्रोकली 100 रुपए किलो। अच्छा ये तूरी तो बता दिया, ठीक है शुक्रिया। 80 रुपए किलो। लौकी कैसे दे रहे हो? 80 रुपए किलो। बैंगन कैसे दे रहे हो? 80 रुपए। ये चकंदर कैसे दे रहे हो? चकंदर 60। और ये टिंडा कैसे दे रहे हो? 80 रुपए। भिंडी कैसे है? 200 रुपए। बंद गोभी? शिमला? और गाजर कैसे दे रहे हो? कीरा कैसे दे रहे हो? 80 रुपए। फूल गोभी? ठीक है भाई। चना कैसे दे रहे हो? चना 150 का है। 150 रुपए, 150 रुपए का। तो कल भी था, आज भी है? 140 150, मतलब 130 तक हो जाएगा पाइनल। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। कचालू कैसे दे रहे हो? कचालू 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, माशाल्लाह कचालू तो अच्छा है, VIP है, 30 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में, देख लीजिए। हाल का गोभी कैसे दे रहे हो? 25 रुपए किलो। और कुछ नहीं है? बैंगन कैसे दे रहे हो? बैंगन 40 रुपए। धनिया पुदीना कैसे दे रहे हो? धनिया पुदीना 250 का। 250 रुपए का। ये पुदीना कितने का है? पुदीना भी 250 का। दोनों 250। मूली कैसे दे रहे हो? 40 रुपए। 40 रुपए का। ये प्याज कैसे दे रहे हो? प्याज 150। 150 रुपए। और ये सोया कैसे दे रहे हो? सोया 8 रुपए गड्ढी। 8 रुपए गड्ढी। ये शलजम है? किस तरह दे रहे हो? 40 रुपए किलो। भिंडी कैसे दे रहे हो भाई? भिंडी 200। 200 रुपए किलो, माशाल्लाह भिंडी तो अच्छा। भाई मुंगरा कैसे दे रहे हो? ये 50 रुपए। 50 रुपए किलो। अच्छा भाई रेट बताओ, मिर्ची कैसे दे रहे हो? मोटा मिर्ची 30, काले शहजादी 35, हरे शहजादी 55, एक नंबर हाइब्रिड 90, सेकंड हाइब्रिड 80। नींबू कैसे दे रहे? नींबू ये वाला किस तरह है? ये वाला 100 रुपए किलो। वो सामने वो वाला देसी नींबू है, 250 का है, 220 का लगा। और ये जो है ये भी 200 का लगा। ये देसी लहसुन कैसे दे रहे हो? देसी लहसुन भाई 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। अदरक कैसे है आज? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। और चाइना लहसुन? चाइना लहसुन 300। तो मुनासिब रेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।